कुछ नीचे लुका के बुढ़ी छत ते खलो के मुख कुछ नीचे लुका के बेटा अखियां ना लांदी ए ते लौण दियो निम्रा की बातें आपसे मैं शेयर करूंगी व्यूअर्स, लेकिन पहले शेयर करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और ऑफ कोर्स जैसे ही मलकू जी का चेहरा नजर आता है तो सबको पता आ जाता है कि बाहर आ गई। आई एम लाइक अ स्प्रिंग, ही इज लाइक अ स्प्रिंग। उसको किसी भी चीज में फिट कर दें उसके अंदर बाउंस आ जाए। लेकिन ये हम बात किसी और दिन करेंगे। सो गाइस, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्ने बहारा। जैसे कि आप कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते। अब जो यूथ है आजकल का निम्रा का एज ग्रुप, इनको पता नहीं है कि हम लोग कैसे बहार को सेलिब्रेट किया करते थे। क्या बात, जैसे ही जनवरी खत्म होता था, फरवरी का महीना स्टार्ट होता था, लोग गुड़िया खरीदनी शुरू कर देते थे। एक तो वो काइट फ्लाइंग का पूरा सिलसिला होता था, फरवरी में ही ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता था, फरवरी के महीने में। ऑब्वियसली जब मार्च आ जाता है तो 100% डिसाइडेड होता है कि हाँ जी सर्दी खत्म हो गई, बाहर का मौसम आ गया, फूल खाने पीने की चीजें, यू नो चने भटूरे हो गए, दही बड़े हो गए, गोलगप्पे हो गए, ये सारी चीजें भी हिस्सा। और निम्रा के लिए स्पेशली आज हमने इन सब चीजों का इत्तेमाम किया, क्योंकि निम्रा ने कहा मैं आऊंगी सिर्फ तब नाश्ते में दही भल्ले खाऊंगी, जब नाश्ते में दही भल्ले मिलेंगे, दोपहर के खाने में गोल गप्पे मिलेंगे, और फिर उसके बाद स्नैक के तौर पे चने भटूरे मिलेंगे। ओह माय गॉड। सो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहार को। वैसे तो जिंदगी के हर लम्हे को सेलिब्रेट करना चाहिए जी। इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी है,
एक से दूसरे लम्हे का पता नहीं होता, तो कोशिश करनी चाहिए कि खुशी से और पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ज़िंदगी को इंजॉय करें। सो जश्न बहारा को सेलिब्रेट करने के लिए मलकू जी तो हमारे साथ हैं ही, निमरा मेहरा हमारे साथ हैं, जिनको जब मेरा जी चाहता है मेहता बुला लेती हूँ, जब हमेशा मेहरा बुला लेती हूँ, आपको पता हमेशा आपके साथ ही होती है, दिल ही दिल में मेहता है। और फिर ऑफ कोर्स हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, इंजी डीएक्स एंड रिजी आरजे, इन नामों के पीछे क्या साइंस है ये भी हम जानना चाहेंगे, बट वेलकम टू द शो एंड जश्न बहारा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। ओके, जब हम बहार की बात करते हैं तो मेमोरीज और बहुत सी चीजें जहन में आती हैं, बट इन सब चीजों पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो सब साथी हैं, बल्कि आए व्यूअर्स, आपको मैं उनके पास लेके चलती हूँ और उनसे भी मुलाकात कराती हूँ, क्योंकि साथियों के बारे में गुफ्तगू करना भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। गोल गप्पे पे हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अब्बास हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। यहाँ पे आए मैं शकड़े जाऊँ, छोटे छोटे से टिकी पैक है हमारे पास दही भल्ले के स्टैंड पे, मोहम्मद फरमान एंड मोहम्मद अरफान, राइट, अस्सलाम वालेकुम। और चने भटूरे के स्टैंड पे अभी तैयारियां जारी हैं, लेकिन स्टॉल पे हमारे साथ हैं शान, राइट, अस्सलाम वालेकुम शान। तो यहाँ पे हमारा खाने पीने का तमाम होगा, एंड देन नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर म्यूजिशियंस, क्योंकि ऑब्वियसली हल्ला गुल्ला और फन का एटमोसफियर सब ने ना अपने कॉलर शॉलर सेट करने शुरू कर दिए, स्पेशली आपने नोट किया है मैंने आपको। क्रिस्टोफर भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई, एक हमारे और प्यारे भाई हैं लेकिन हम उनको अब मेंशन नहीं करते क्योंकि हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारे पास आकिब ढोल पे हैं, जिन्होंने अपना कॉलर फ़ौरन ठीक कर लिया था जब उनको पता था हम उनके पास आ रहे हैं। मोहसिन रजा ऑन द ड्रम्स, और राशिद हुसैन साहब आप फिक्र ना करें, आप भी हमें याद ही हैं ऑन द कीबोर्ड। तो ये हमारे प्यारे प्यारे से भाई और हमारी प्यारी सी टीम। और जब हम बहार की बात करते हैं व्यूअर्स, तो बहार तो तभी आती है जब लोग आपके साथ होते हैं, जब एक फन हल्ले गुल्ले का एटमॉस्फेयर होता है, आप उसमें इंजॉय करते हैं। बहार की इंजॉयमेंट तो फैमिली के साथ ही हुआ करती है। वैसे मेरे को बचपन की कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मेमोरी हो बहार की, बहार के मौसम की, रोमांटिक ना बताना, नेशनल चैनल है उसके अलावा। बचपन में कौन सा रोमांटिक बनता है? बचपन में तो रोमांस होते थे, आगे इस उम्र में कौन रोमांस करेगा, रोमांटिक ना बने, कह रहे इस उम्र में कौन करता है। बचपन में सोचें बहुत सी आती थी, होता कुछ नहीं था, फिर शादियां हो गई, फिर वो सोचे भी दाग के मार गई, खत्म हो गई, कत्लो गारत हो गई, ही नोज एवरीथिंग। बचपन में यह है कि बहुत सी यादें हैं, हमें तो याद है कि वाइंड अप चलता है इस मार्च में ना के सरगोधा, वहाँ पे किन्नू का वाइंड अप चल रहा होता है, तो बड़ा वो एंटीक सा हो जाता था। हम जो किन्नू चुराते थे ना, वो बड़ी मजेदार वाकयात है। आपके किन्नू चुराने की स्टोरी में ब्रेक के बाद जाना, ओके, क्योंकि पहले मैं सुन लूँ ना व्यूअर्स ब्रेक में कि सुनाने वाली कहानी है भी कि नहीं, और उस किन्नू की स्टोरी में कौन विलन था, कौन हीरो था, हीरोइन कौन सी थी, क्या वो किन्नू नुमा ही चीज थी या वो सेब था, मतलब किन्नू नुमा ही होगी, किन्नू नुमा ही थी। हम ब्रेक के बाद ये डिस्कस करेंगे। छत ते खलो के मुख चुनी चिलुको के, ओ कुड़ी छत ते खलो के मुख चुनी चिलुको के, बेटा अखियां दा लांदी ए ते लौण दियो छड्डो सानू गुडियां उड़ाण दियो, जान 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 दियो। हंसे तेरे बोल खंड पतासे तेरे, मिठे मिठे हंसे तेरे बोल खंड पतासे तेरे, दिल साडे दी तार कदी च टिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। I
सुल ना जाइए, अपना आप भी भुल ना जाइए, तेरे इश्क दा पानी भर दे, पानी वांगो रुड़ ना जाइए। आशिक लोग ना होंदे जे लोर ते दिल्ली ना होंदे, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी दिल्ली ना होंदे, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी दिल्ली, जे अख तेरी दिल्ली, जे अख तेरी दिल्ली ना होंदे, जे अख तेरी दिल्ली ना होंदे। मखन मलाइया गोरे मुख ते लालियां छाइया, करली जुल्फां दे ने झल्ले, साडा कोई वस ना चले, मस्ता ने नैना दी जे बारी खुली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। तेरा हाय फाय लुक भी तेरी नेरी तबाई, हर वाले टिकटॉक ते आवे सॉन्ग सड़ा ही गाई जावे, रैंडम सर्च च जे तू सानू मिली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। और डी एक्स इस लोगो जस्ट अच्छा नाम को थोड़ा सा आपके साथ क्या हुआ, आप रिजवान थे जी, मेरा नाम जिंदगी में मैंने कुछ चीज सही भी कर दी। हाँ सो आपका नाम रिजवान है जी, जी जी लेकिन था हो गया हो गया हो गया। एक्चुअली मेरे टीचर जो हैं ये शॉर्ट नेम उन्होंने किया था। अच्छा शमशेर साहब दलेर मेहंदी साहब से बड़े हैं। ओके और ये बेसिक मैं आपके चैनल के तवसल से बताना चाहता हूँ कि बेसिक मैं मुस्लिम और ये टर्बन जो है ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा ये आप काम करो तो नाम भी यही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक तो बस वो फिर वो रिजी 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 किरार जो मैंने खुद ही वो उसमें कुछ शॉर्ट वर्ड थे वो मेरे फैमिली में। अच्छा। तो मैंने आरजे फिर जो है वो साथ खुद लगा लिया रेडियो जॉकी बनते। हाँ अच्छा ओके ठीक है डन है। मैं कब का सर किसी को आपके नाम के पीछे क्या कहानी है निम्रा? मेरा नाम है निम्रा है, निम्रा ये और कुछ नहीं है। वो एक जमाने में एक वॉशिंग पाउडर होता था तो वो निर्मा होता था। निर्मा डिटर्जेंट पाउडर निम्रा और निर्मा में बहुत फर्क होता है। निम्रा निम्रा चाय भी है ना। अच्छा चाय भी है। असल में जब से निम्रा पैदा हुई है ब्रांड पे ब्रांड इनके नाम पे बनता है। वाह 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 वाह। अरे सब मैंने अब एक ही चीज रहेगी एंबेसडर बनना नाम ब्रांड सारे एंबेसडर हो गए तो मे प्लस की ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाहर के मौसम में खिजा की बातें मत करो। लेकिन लेकिन एक इम्पोर्टेंट पैगाम व्यूअर्स आज मैं आपको देना चाह रही हूँ और बल्कि आप लोगों के सामने ही ये बात करना चाहती थी कि व्यूअर्स देखे रमजानुल मुबारक की आमद आमद है इंशाल्लाह अनकरीब यू नो अप्रैल में इस बार रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा थर्ड या फोर्थ को। एक बहुत ही अमेजिंग काविश एक बड़ी अमेजिंग एफर्ट है जो ए प्लस ने और पब्लिक न्यूज़ ने स्टार्ट की है। ये जो काविश है ऑब्वियसली एक कैंपेन के फॉर्म में सामने आ रही है और सिचुएशन ये है कि व्यूअर्स देखें ये स्पेशली उन लोगों को एक पैगाम जा रहा है जो फ़र्क फर्क मुख्तलिफ लोग होते हैं खाने पीने की अगर बात करें कपड़ों की बात करें हर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन स्पेशली जब हम रोज़ी रोटी और खाने पीने की बात करते हैं तो जब आप क्रिसमस या ईस्टर या ऐसे मौके बाहर के ममालिक में देखते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं चीज़ें डिस्काउंट पर चली जाती हैं। पाकिस्तान में चीज़ें टॉपो टॉप पुचा रही होती हैं एक्सपेंसिस में इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं कि आम इंसान क्या बहुत जो साहिब हैसियत लोग भी होते हैं वो भी दस दफ़ा सोचते हैं कि हम कुछ लें कुछ लेना देना करें कुछ इस किस्म की चीज़ करें।
सो व्यूअर्स, एक पैगाम है, एक मैसेज है कि प्लीज इस बार हमारी रिक्वेस्ट पे कीमतों को डबल और ट्रिपल मत करें। अगर टमाटर प्याज लेना एक नॉर्मल इंसान के रीच से बाहर हो जाएगा तो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। रमजान मुबारक में तो आप पैकेजेस बनाते हैं, आप लोगों के घर जाके देते हैं, आपने नेकियां कमानी है या सिर्फ आपने पैसे ही अपनी जेबों में भरने हैं? इस महीने में ऑफर्स देनी चाहिए, डील्स होनी चाहिए। बाय द वे, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी शॉप पे आप जाएं तो वो अपने चीजों को कम पे सेल कर रहे हैं। करते हैं वो 300 वाली चीज जो होती है ना, वो 400 पे टैग लगाते हैं और 300 की बेचते हैं। चले वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम उतने की, कम से कम उतने की तो बेचते हैं ना मलकू जी, जितने की है। हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट्स एंड क्रिएटिंग अ बेटर सिचुएशन, हम मामला बद से हम आसानियां लोगों के लिए क्यों नहीं पैदा करते। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देना चाह रही हूँ। ये पब्लिक न्यूज और ए प्लस की एक अमेजिंग सी कैंपेन है, एक पैगाम भी है, वो आइए हम आपको दिखाते हैं और फिर ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। दुकानदार भाइयों, रमजान उल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें, ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अकलमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्प करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, गोल गप्पे मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ हैं। भैया बताइए, गोल गप्पों के पीछे बस रुक जाओ एक मिनट, निमरा एक तो हर जगह ना निमरा ने अपने देखती हूँ। अच्छा, मैं तो देख रही थी। अच्छा, रेडी होने हैं। गोल गप्पों के पीछे साइंस क्या है? क्या बाहर के मौसम में ज्यादा खाए जाते हैं? हाँ जी, ये बाहर में मौसम में ज्यादा चलते हैं, गर्मियों में ज्यादा बिकते हैं और गर्मियों में ज्यादा ये सेल होते हैं, सर्दियों सर्दी जो जब आती है ना ये कम हो जाते हैं गोल। अच्छा, तो आप इसको बनाने का सिलसिला क्या है? एक तो आप ये बनाते हैं पूड़ियाँ। हाँ जी। ये कैसे बनती हैं? ये आटे से बनती हैं जी। मेहनत होती है, मशक्कत होती है। मैदा भी कुछ कहते थे ना, मैदा? नहीं, मैदे से नहीं बनती, वो सख्त हो जाती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती। अच्छा, खाली आटे पे बनती है। सो बेसिकली हमने ये किया, इसके अंदर ये इसका जो मादा है वो डाला। मादा, चुप करो बदतमीज, मटेरियल कहते हैं मैदा। हाँ, सुगन पार्ट टाइम लगाते हैं। हाँ, कॉलेज में बरसती थी पार्ट टाइम में। मतलब कॉलेज नहीं, आपको मसला क्या है? अलग गोलगप्पे निमरा ने कहा है, मैंने थोड़ा। अच्छा, और इसमें से पानी डालना होता है? जूस है, देखो इतने से डाल दिए भाई। आपने पैसे पूरे लेने, ये इसे सही बना के दे इमरान, ये सही बनाए, इतने अपने पैसे लिए हैं, ये ले, क्या ये एक रुपया नहीं दिया आप लोगों ने <पार्ट में। laughs> ये हमने कहा ना फूटी कौड़ी। हाँ, ये क्या ऐड करूँ इसमें? ये क्या मीठी है उसमें? कब ऐड करते हैं? नहीं डालनी रायता, मीठी चटनी डालू? पहले सही तो बताओ कैसे बनाते हैं। ऐसे डाल, ये यूं भाई, मैं ये यूं, हाँ ठीक है, हाँ ये दोनों चीजें डालेंगे तो टेस्ट बनेगा। अच्छा, आप बताएं अगला बंदा क्या खाएगा? मैं हमें हाफ प्लेट दे दे। सिंपल, हाफ प्लेट, हाफ प्लेट। हाय हाय, कितने की है प्लेट? कितने की? फुल कितने की? 44 रुपए की। 44 जो लोग पौनी हाफ दे दे मैडम, पौनी हाफ। पैसे नहीं है, हेलो खड़ो द गोल का पेस। ओके, अच्छा तो हम खुद बना लेंगे। हां, इसे तो खाओ, खुद बना लो ना, बड़ी तुम साइंसदान। तो पता है कैसे बनता है? नहीं कुछ है भी नहीं। अच्छा, कैमरा निमरा पे रखना जरा, वो कैमरा निमरे पे रखना गोलगप्पे खाते हुए। हाँ, अब इसके अंदर और क्या क्या डालना है? जी आप भी ले चेक करें। ये जी आपका गोलगप्पे का पानी आ गया, इसमें आपने क्या डालना है? अब आपकी सर्विस अच्छी है, रायता डाल दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, ये ले। तुमने नहीं खाया? अच्छा, तुम तमीजदार अंदाज में ना। अच्छा, हाँ स्वीट। अच्छा,
मुझे तो किसी ने नहीं, अच्छा चले मैं भी एक खा लेती हूँ। अच्छा हमारा एक सॉन्ग है जो मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद हम दिखाएं। अच्छा हमें ना वैसे गोलगप्पे खाने का एक कंपटीशन करना चाहिए मुझे और निमरा को, हाँ। कि मैक्सिमम गोलगप्पे कौन खा सकता है, ये कर रहे कंपटीशन एक हो जाए। हाँ जी अभी हो जाए। मैं आप सारे ना मैं सारी लवाज मार डाल के खाऊंगी, देख रहे मीठी चटनी एंड आई वाओ मुश्किल है नहीं जी सकते। अल्लाह आपको खुश रखे अंकल। शदीद मजे के गोलगप्पे खट्टा पाई भी लेते हैं। अगर कल व्यूअर्स प्रोग्राम ना कर पाई तो इनकी गलती है। बिल्कुल खट्टा हमारा जो होता है ना गला नहीं खराब। अच्छा नहीं मुझे एक बात बताएं, टाटरी वाटरी मैंने यही पूछना है आपसे, ये खट्टा पानी कैसे बनता है अगर हमने घर पे बनाना है उसको कैसे बनाए? ये इमली डालते हैं, मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं। अच्छा बस गर्म करके इसको। हाँ जी पका नहीं बनाते कैसे इसको, बॉईल करना होता है पकाना होता है कैसे बनता है? नहीं नहीं इमली वैसे भिगोते हैं थोड़ी देर, फिर उसके पानी निकाल लें, फिर उसके बाद मसाले डाल लें, खट्टे तैयार हो जाएगा, खट्टा तैयार हो जाएगा। मजे का खट्टा ये ना, लेकिन मैं नहीं खा। निमरा बेचारी रुक नहीं रही, पता नहीं इसने गाना क्या है, इसने चीखे ही मारनी है, मतलब बल्कि गाती रहेगी। पैसे दिए हैं निमरा ने, उसने पूरे नहीं करने। अंकल बहुत मजे के गोलगप्पे। और बाय द वे मैंने अंकल आपका आप होते कहाँ पे जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हम कच्चा जेल रोड पे होते हैं। कच्चा जेल रोड पे होते हैं और वहाँ पे आप किस नाम से है भैया? मेरा अल मक्का गोलगप्पे शॉप। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो हम इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। अगर लाहौरियों आपने या लाहौर के गिरदो नवा के लोगों ने आके स्पेशल गोलगप्पे खाने हैं तो मतलब जश्न बहारा में आपको मतलब स्पेशली बहार के मौसम में गोलगप्पे ना खाएं। मेरा हर चीज पे मेरा गाना है, इस पे भी गाना है मेरा, लोका नु गोलगप्पे सारू लाल डप्पे। ਕੁੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੁੰਨੀ ਚਿਲੂ ਕੋਕੇ ਬੇਟਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਦੀ ਏ ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਿਓ
सादगी उस खुदा नाज के बेपना रात दिन मेरी सना बताओ निमरा। हाँ जी बताएं। सच्ची सच्ची बताना मेरे कान में। हाँ। कभी तुम्हारी मीठी बातों में कोई खोया है? बहुत दफा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम इतनी कौड़ी बातें करती हो, तुम्हारी किसी बात में कोई नहीं खोता। ऐसा वैसा जिसका नाम जुगन काजम है बेसिकली मुझसे ही मीठी मीठी बातें करके मैं बताती हूँ ना सब। बोलो बोलो फिर मैं भी बोलती हूँ। इसके पास बहुत राज है। ये होती है, ये होती है आपकी जो बदतमीज औलाद होती है ना, ये बदतमीज वाली औलाद है, गुस्ताख औलाद होती है। देखो माँ ऐसी बातें करेगी औलाद तो ऐसी निकलेगी ना, फिर बताओ। लो जी नया स्कैंडल, निमरा मेरा की असल माँ जुगन काज है, एक नया स्यापा। अच्छा ओके, सो आजकल क्या मसरूफियात है म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों की? क्योंकि रमज़ान से पहले आपको पता है फेस्टिवल चल रहे हैं, तो शोज़ में बिजी हैं और अच्छा चल रहा है म्यूज़िक, वेडिंग के इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ नए गाने ज़्यादा काम जो है वो इंजी भाई के साथ ही करता हूँ। और यहाँ पे मैं लाजमी बताना चाहूँगा कि सपोर्टिव जो लोग हैं बड़े कम हैं, तो ये मेरे भाई जो हैं ये मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा मुझे सपोर्ट करते हैं कि यार आप क्यों आप इसको इतना प्यार करते हैं, ये इस गिले में है। नहीं नहीं नहीं, रिजी इज अ वेरी गुड सिंगर, ही बहुत अच्छा सिंगर। देखिए अगर कोई सपोर्ट करता है और प्यार करता है तो अब जिस तरह निमरा के साथ मेरा अपना एक लाड है। फलकु जी आपको हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, आप हमसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े स्टार है, बट द पॉइंट इज इस तरह निमरा फॉर एग्जाम्पल इज समवन दैट आई सपोर्ट अ लॉट। व्हाई? बिकॉज़ बहुत लविंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत बादब, और आई फर्मली बिलीव के बादब बानसीब इंसान होता है हमेशा। सो यू नो एंड ऑफ कोर्स टैलेंटेड तो है, टैलेंट बहुत है इस दुनिया में। हाँ जी, उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन हाँ, होती है अदब भी बहुत करते हैं भाइयों की तरह, और इसके एक मेरा अलहदा सा रिश्ता है मोहब्बत का, प्यार का, भाई है, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देता है। डेफिनेटली मेरा एक सीजन था उसमें रिजी ने परफॉर्म किया, उसमें निमरा भी है, अभी रिसेंटली लॉन्च होगा आफ्टर ईद। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी पाकिस्तान का आर्टिस्ट है जो कि अच्छा काम कर रहा है, मैं कुछ कर सकूँ उसके लिए। तो मेरी एक काबिश है कि सब दोस्त मिल के आगे की तरफ चलें। यही तो बात है ना अल्टीमेटली, ये हमारे सीनियर हैं, इनका प्यार रहता है हमेशा। जब भी मेरा कोई भी गाना लॉन्च होता है मलकू भाई की सबसे पहले कॉल आती है और अप्रिशिएट करते हैं, और मैं इनका बहुत ज्यादा दिल से अदब करता हूँ आपका। यार ये बात जो है ना, सबसे पहले कॉल आती है कि इनजी बहुत अच्छा, सबसे पहले लोग सड़ते हैं यूजुअली, यूजुअली सबसे पहले लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं, मगर ऐसा ही होता है इस फील्ड में, ऐसा ही है। बट ये वाहद पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट हैं जो सबसे पहले फोन करके अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा, कीप इट अप, इससे भी ज्यादा अच्छा करो, आगे आने वाला वक्त आपका। तो ये मलकू भाई के लिए क्लैपिंग है। थैंक यू। बल्कि वो मेरा सॉन्ग मैंने लिखा था, वो आपका अख्तर बिल्ली जो बिल्ली बिल्ली जो भी मैंने परफॉर्म किया था, वो मैं वही इनके कान में कह रहा था कि मलकू भाई ये भी आपके लिए। हम तो पहले ही मानते हैं, आप ना भी कहें तो माने। नहीं, ये बड़े वाकई बड़े टैलेंटेड है दोनों, अल्लाह ताला ने कामयाब करे। ये टैलेंटेड क्यों नहीं है? ये बहुत आला है, इसने बहुत आगे जाना है। मैं निमरा ने हाँ इसने बहुत आगे जाना है, मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ। ठीक है निमरा, हम तुम्हारे लिए दुआ करें। हाँ इंशाल्लाह, इससे बहुत आगे कि अगर तुमने नाक कटाई तो हम पहले ठहर जाओ, मैं सुनने ऑन कैमरा कुछ कहने वाले। मैं सही कह रहा हूँ कि विद इन वन ईयर ये ब्लास्ट कर, एक साल का आपने टाइम लिमिट दिया, अगले जश्न बहारा के शो में हम यही गुफ्तगु ओपन करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। और इसलिए आने नहीं, इतना बिजी होना है या इसने आना ही नहीं है,
ये फाइनली शादी करा चुकी होगी जिसके हमें धमकियां और सुस दे रही है नहीं मेरी शादी करा दे मेरी शादी करा हर शो में मेरी शादी करा दे मैं कहती तो नहीं ना दिस इज टैलेंट बेटा क्योंकि किसी ने बेटा कोई रिश्ता दे करके डालेगा तो शादी होगी ना अभी मैंने खुद लाइनअप की हुई है चीजें कि ठीक है अभी करेंगे अभी तुम बैठो बाहर तुम भी बैठो बाहर के मौसम में शादियां करने का ज्यादा मजा आता है क्योंकि शादियां नहीं मतलब हर बंदा एक ही शादी के बाद तो बाहर खत्म हो जाती है ना हाय अल्लाह इस नेगेटिव सोच पे हमें देखें यार दोनों को बाहर हैं अभी ये अभी ऑफ एयर होने दे जरा बाहर हैं ऑफ एयर होंगे तो एक दूसरे के बाल खींचने शुरू कर देंगे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो जश्न बहारा मनाने का क्या तरीका है आफ्टर ऑल व्हाट टू वी डू और गुड़िया किस किसने उड़ाई है ये भी हम जानेंगे किसी को उड़ानी आती भी है आपने तभी गुड्डी उड़ाई है जब आपकी उंगली पे दो चार दफा कट लगे हैं कम से कम ब्रेक के बाद बात करेंगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जश्न बहारा स्पेशल हो रहा है और आपको पता है ब्रेक में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हम सारे करते हैं वो है टिकटॉक बनाना yes. सो मलकू ने और मैंने तो बना लिया है इस ब्रेक में टिकटॉक अभी वो मैं लगाऊंगी उसके बाद फिर टिकटॉक निबरा के साथ भी बनानी है ये दोनों मासूम से बच्चे अगर बनाएंगे टिकटॉक तो उनके साथ बना लेंगे वरना धंधिया ही निकालते रहेंगे हम बट इस किस्म की हम हरकतें साथ साथ करते रहते हैं आपको पता ना अब हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है पहले गप्पे लगती थी अब सोशल मीडिया का मटेरियल कलेक्ट होता है जश्न बहारा आपने वादा किया था कि कोई याद शेयर करेंगे जश्न बहारा जुगन मैं समझता हूँ कि हम उन लकी लोगों में से हैं जिन्होंने वो जो इन्जॉय किया है जश्न बहारा स्पेशली लाहौर की ये त्यौहार ऐसा त्यौहार था कि लोग ईद पे नहीं आते थे मतलब दूसरे ममालक से लाहौर स्पेशली छतें बुक होती थी बहुत बड़ा बिजनेस था जिसको तबाह बर्बाद कर दिया और ये जैसे बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह गुजरे ना ऐसे ये मेरा आखिरी गाना बसंत का था यही वाला छड्डो सानू अब भी हम कह रहे हैं कि छड्डो सानू गुड़ियां उड़ान दे कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं हमें एंजॉय करने दे आप क्या कह रहे हैं मतलब आखिरी गाना था और वो आगे से कह रही है हाँ आपको कुछ पता आपने कभी देखा है जश्न बहारा का कुछ नहीं मैंने ये नहीं उड़ाई नहीं है और मुझे इतना याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे मतलब अभी छोटे थे तब तब और कभी उड़ती देखी थी वो कन्नी नहीं देते वो देते ऐसे करके ऐसे करके देती थी छोटे बच्चे को पकड़ा देते ना कन्नी वो ऐसे करके पकड़ते नहीं करते थे वो एक वो भी तो होता था ना इस तरह वाला जो होता था वो पकड़ने वाला रोल रोलर टाइप कुछ चरखी चरखी और पिन्ने होते मुझे याद है जब ये दंडिया निकाल के खड़ा होता था जब प्रॉपर उड़ जाती थी तब कभी पकड़ लेते थे थोड़ी देर उड़ाने के लिए अब मैं क्योंकि सरगोधा से मलकवाल में पढ़ता था तो बचपन में हम भी वहाँ मनाते थे वो बड़ी यादगार है मैं बताता हूँ अब हमारे पास ये जो पेपर का जो गुड्डी गुड्डा ये नहीं होता था ये जो पतंग होती वहाँ पे नहीं था अवेलेबल हम क्या करते शॉपर लेते प्लास्टिक का उसके साथ वो जो झाड़ू का तीला लेते और धागे से बांधते उसकी लंबी सी पूंछ लगाते बहुत लंबी सी अब हवा इतना भारी बोड़ता नहीं था हम क्या करते थे मुझे याद है हम उसको पकड़ के तो दौड़ते थे जितना तेज दौड़ना उसने इतना ऊपर जाना और जब रुकना तो फिर वो गिर जाना ये बड़ी मजेदार यादें हैं आज भी आता है फिर वो टायर होता था है? उस टायर मोटरसाइकिल का टायर नहीं हाँ जी उसको डंडे से हम चलाते थे हाँ, वो ऐसे देखा था टायर एक गुड्डा भी होता था टायर हाँ हाँ टायर गुड्डा होता था उसके अलावा एक आदमी बना होता था yes. नहीं वो तो हमने तो वाली एटम बम भी और हर किस्म के होते थे ये अंदरून किसको ज्यादा पता है खास लाहौर से हूं बस आर यू सीरियस जी जी बिल्कुल है फिर के व्हाट इज दिस नहीं नहीं ये तो एक अपनी एक ग्रूमिंग है उसका मैं अंदरून खास लाहौर से हूं गुड्डियों का पूछने मुझसे पूछे उससे बताए गुड्डियों गुड्डियों के नाम गुड्डियों के नाम नाम गुड्डियों का बताए मैं बताता हूं एक होता था तावा पौना तावा डेढ़ तावा ढाई तावा तीन तावा छह तावा बारह तावा सोलह तावा बीस तावा तक मैंने उड़ाया हुआ नहीं जो परी होती थी उसमें परी भी एक होती थी पिन्ना नहीं परी 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 परा पड़ा वो छोटी पड़ी
2 रुपए 5 रुपए उसके बाद आपको चेपी मिलती थी लगाने के लिए, गुड्डा लिया ना आपने वो चेपी। ऐसा बंदा होता था कि जिसकी छत आपके साथ लगती थी, जैसे मेरे साथ एक छत लगती थी शेख साहब की, अच्छा गुड्डे भी उन्हीं की छत पे गिर रहे, मैं खलोता हूँ डंडा फड़ के बूढ़ा पहले नहीं, उस डंडे का नाम क्या होता था उस डंडे का, चाचा को पूछो उन्होंने लौर वो मैं गुड्डी नहीं उड़ाई नाम बताएं दोबारा, मैं टांग तोड़वा ली थी गुड्डी लूटते हुए, बताओ 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 किससे लूटते थे वो डंडा, क्या नाम था उसका, वो मुल्कू भाई होता सी चामा ओदे के चामा चामा नहीं चामा चामा बड़े तुसी पंजाबी भाई मैंने मुझे नहीं पता, बी क्वाइट अब हम उधर बात करेंगे उसके आगे लगा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई आप गलत कर रहे हैं। हां अच्छा चावा भी कहते हैं, चावा कोई और होता है, उसके आगे लगाते थे वो चामा भी कहते थे, टांगा भी कहते थे, टांगा का वो यार टांगा कह लो वो लाके ना अपना दरख्त दी कंडी वाली हां चाड़ी चाड़ी ओनु जोड़ के तो उस तो बाद तुसी उनको लोते हो गुड्डा आ रहे हैं तुसी अपना फुल एक्टिव हो ते, अच्छा मोस्टली ऐसे होता था कि गुड्डा आपसे जरा पहले गिर जुगन, अब ये गुड्डा जो है ना वो कट गया है, कट गया और इसके हाथ में वो क्या है टांगा चांबा टांगा, अब आपने कैसे अंदरून पकड़ना जरा कांडी थी बिल्कुल वही तो इधर आगे आगे जरा करके दिखा प्लीज प्लीज, गुड्डा जो है ना वो कट गया है खड़े हैं जिसको नहीं पता उसको तो पता चले ना, आप दोनों को नहीं पता, हाँ अल्लाह माफ करे हैं, अच्छा नहीं एक्चुअली नहीं देखा ना मैं तो, आई ग्रू अप इन कैंट अंदरून की बसंत, तो हम लोग सिर्फ बसंत के दिन जो है जाया करते थे, हमारी मामा की बेस्ट फ्रेंड थी नवीद खाला, तो उनके उनको कुछ स्कूल्स वगैरह थे जो उन बच्चों के लिए जो अपनी तालीम नहीं के लिए नहीं पे कर सकते थे, तो फ्री स्कूल्स थे, उनकी छत पे चढ़ के करते थे। अंदरून शहर में तो यूसुफ सलाउद्दीन की, यूसुफ चाचा की हवेली पे 2-3 दफा गए हैं, मैंने उस तरह से बसंत जिस तरह ये बता रहे हैं ना कि ये मुझे तो पता भी नहीं था कि वो डंडे का भी कोई नाम होता है और वो पतंगों का भी नाम होता है और गुड्डों का भी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, एज फैक्टर मेरा वही वाला है लेकिन मैंने खुद देखा नहीं फर्क है, और फिर कनाडा चली गई जब 16-17 साल की थी। मलकू भाई बसंत जो है ना एक्चुअली जश्न बहारा, जब ये कोई नाम लेता तो बंदे के जहन में आता है कि जश्न बहारा, वो बहारें असल ये थी कि सब लोग इकट्ठा होते थे, सब में एक एहसास एक प्यार होता था, खाने बहार उन लोगों से फिर ये गुड्डी के जरिए इसको एंजॉय किया जाता था, सुबह सुबह गजरेला, हाँ सबसे पहले बसंत पे रात को गजरेला बनने एक रात पहले, उसके बाद सुबह नाश्ते में गजरेला बसंत का, दोपहर में बारबेक्यू वाला बैठा हुआ बारबेक्यू चल रहे, साथ गुड्डे चल रहे, साथ आपका खून नीचे गिर रहे हैं, आपने ग्लव्स पकड़े हैं, आपने हल्का सा पेज लगाया तो वो एक तो उनकी बात की मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि पेज हो गया या नहीं, और दूसरा बट एक ये भी तो बात है ना कि देखो अब ये बात तो सही है कि वो जो गुड्डे की जो वो होती थी डोरी डोर ना डोर डोर उस वो डोर तो डेंजरस थी, शार्प बहुत होती थी, शार्प बहुत होती थी, लोग उसको शीशे से करना शुरू हो गए थे। अब देखिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए तो इसलिए क्योंकि लोगों की डेथ हो रही थी, लोग छतों से गिर रहे थे, सेफ्टी का एलिमेंट तो हो गया था ना प्रॉब्लम, जब से प्लास्टिक आया था उसने जुल्म किया, हाँ जी अच्छा से कुछ नहीं होता था कि वो एक सब मजा कुछ भी नहीं होता, और शायद एक वो टूट जाता है, इस बात से एग्री करें कि आप हमसे बेहतर जानते हैं म्यूजिक को भी हर चीज को बेहतर जानते हैं। बसंत एक ऐसा त्यौहार था जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नाम दिए, दुनिया में सिंगर्स जो हैं वो बहुत सामने आए हैं, बहुत सिंगर आए और बहुत बड़ा त्यौहार था और बहुत ज्यादा रेवेन्यू, और ये देखे कि अक्रॉस द बॉर्डर और यहाँ कितनी फिल्में बनी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड, और जो मेन गाना होता था, अब तो शादियों पे लोग गाने बनाते हैं, पहले मेन गाना जो है वो इस पे होता, हम लॉन्च करते थे एल्बम अपने, गाने कंपटीशन होता था। अच्छा ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे सॉन्ग सुनना है जी, हाँ लेकिन लेकिन ये जो आपने बात शुरू की थी ना मैंने वो सुननी है कि वो उस गुड्डे गुड्डे को टांग कैसे टूटी, गुड्डे को कैसे पकड़ते थे, ये जो निमरा ने और मलकू जी ने सुनानी नहीं थी गानी, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड आफ्टर अ ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक आप मिलते हैं ब्रेक के बाद, माय प्लेयर थैंक यू, पूरी छत ते खलो के मुख चुनी चिल्लू को के, पूरी छत ते खलो के मुख चुनी चिल्लू को के, बेटा अखियां ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀ।
खुशी खुशी रुलदा पहला पहला प्यार किसी नू नहीं भुलदा इश्क जी बंदा खुशी खुशी रुलदा मरदा है उदों जदों होंदी भी वफाई है रुलते गए आ पर जस पड़ी आई रुलते गए आ पर जस पड़ी आई रुलते गए आ पर हम जब बात करते हैं बहार की जश्ने बहारा की तो ठंडी ठंडी हवाएं जहन में और जब ऐसे निमरा का जहेज भी याद आया था मगर ठंडी ठंडी हवाएं कहां से आएंगी अगर घर में रॉयल फैन नहीं होगा तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर अच्छा एक जमाना था जब फैंस जो है वो एक टिपिकल लुक वाले होते थे यू नो प्लेन वाइट पंखा होता था और वो लगा हुआ होता था जरा बड़े साइज का होता छोटे साइज का होता था लेकिन दुनिया बदल गई लोगों के घर की डेकोरेशन चेंज हो गई सो बहुत ही अमेजिंग न्यू अराइवल्स रॉयल फैन के मतलब ऑर्नामेंटल स्टाइल वुडन स्टाइल में डेकोरेटिव स्टाइल्स तो ज़रूर रॉयल फैंस के फैंस आप ट्राई कीजिएगा मेरे घर में सारे रॉयल फैन के पंखे लगे हुए हैं बिकॉज अगर हम ये कहें कि साथ जिंदगी भर का तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी
एक्चुअली साथ जिंदगी भर का है, और एक दफा आप रॉयल फैन का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बाद सारी जिंदगी आप उसको परचेस करते हैं। मिस्ट फैन इनका एब्सोल्युटली अमेजिंग है। पर्सनली हम लोगों के घर में अक्सर, अब आजकल सीजन वो वाला आ गया है कि मिस्ट फैन लगा के आप आराम से बाहर इंजॉय करते हैं, बच्चों को लगता है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो इंजॉय बड़ा करते हैं। सो मिस्ट फैन, देन द पेडिस्टल फैन, अगर आपने छत पे लगाया हुआ है बट आपको मजीद और ज़रूरत है तो पेडिस्टल फैंस भी हैं। इनके जो ब्रैकेट फैंस हैं वो भी अमेजिंग है। बट एक चीज़ जो इनकी बहुत ही अमेजिंग है वो है रॉयल फैन की स्मार्ट वॉश। इनकी वॉशिंग मशीन एब्सोल्युटली अमेजिंग है। 6+1 ईयर की गारंटी, 6+1 ईयर्स की गारंटी। रॉयल फैन की वॉशिंग मशीन अगेन मेरे घर में है, बल्कि हमने दो रखी हुई हैं, बिकॉज हमारे घर में लोग इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह से कि हमने दो रखी हुई हैं। और लिटरली सारा दिन जो है, क्योंकि घर में बच्चे भी छोटे हैं, इतने यू नो आपको पता है एक्टिविटीज़ चीज़ें होती हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके कपड़े वॉश हो। देखिए वो ज़माना चला गया कि हाथों से बैठ के आप कपड़े धो रहे हैं। और वॉशिंग मशीन की बात करें तो रॉयल फैन की वॉशिंग मशीन रीज़नेबल भी बहुत है, मतलब बड़ी एक अफोर्डेबल प्राइस की है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो जब सोच रहे होते हैं कि बच्चियों की शादी हो रही है क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो यही होता है कि रॉयल फैन का कि पेडेस्टल फैन दे दिए, मिस्ट फैन दे दिया, साथ में रॉयल फैन का रूम कूलर दे दिया और साथ में रॉयल फैन की वॉशिंग मशीन दे दी, तो बच्ची की जो घर की सारी ज़रूरियात होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा लो जी, निमरा को शादी की टेंशन हो गई, निमरा आपने खरीदना ना, माँ का हक होता है खरीदे, हद ही हो गई है। मतलब जब उसको कोई चीज चाहिए होती है, मुझे माँ बना लेती है, बदतमीजी करनी होती है तो टॉप टॉप जा रही होती है। खैर, रफीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रॉयल फैन के ये अमेजिंग से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं लाइफ टाइम गारंटी वाले। आपको भी ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डोंट वरी, और आपके घर तक पहुंचेंगे। सो हम एक एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत जल्द उसको अनाउंस करेंगे, जहाँ पे रॉयल फैन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप जीत सकते हैं, फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स टू पेडिस्टल फैंस टू मिस्ट फैंस टू रूम कूलर्स टू ब्रैकेट फैंस टू सीलिंग फैंस, रॉयल फैन के प्रोडक्ट्स आपके पास घर तक पहुँचेंगे। कैसे यह हम आगे जाके शेयर करेंगे। याद रखिएगा, रॉयल फैन साथ जिंदगी भर का। ओह वाओ, नीचे लुका के पूरी छत ते खलो के मुख च नीचे लुको के बेटा अखियां दा लांदी ए ते लाण दियो छड्डो सानू नहीं जल तो कहीं से, मतलब भटूरा कौन जला सकता है। अच्छा लाल लाल। हम अपने चले भटूरे भी बना रहे हैं और साथ साथ शान साहब आज हमें भटूरे बनाने सिखा रहे हैं। अच्छा तुम स्टोरी बता रहे थे जश्न बारा के, खुदा का वास्ता सुना दो, मैं इसी तो मलकू भाई से लहदा ले आई हूँ। अच्छा स्टोरी इस तरह है कि मेरे घर के साथ ही बिल्कुल एक घर है, हाँ। शेख साहब का घर है, आपको पता है कि घर के मोहल्ले के मुझे शेख साहब का मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात भी यकीन करें, मेरी बात भी। अच्छा आप लोगों के मोहल्ले के अंदर एक ऐसा घर होता है कि जिनको मसला होता है दुनिया से, हाँ। बाबा जी होते हैं, आपको पता है सुबह सुबह उठ जाते हैं 6 बजे ना, 5-6 बजे बाबा जी सुबह सुबह। अच्छा उनकी उनकी छत पे ना मोस्टली गुड़िया उनकी छत पे गिरती थी, मोस्टली बस क्योंकि मैं पहले खिलौता नजर फटने से और मैं पहले दिख जाती थी क्योंकि मेरा ज़हन होता सी कि यार टांग कैसे टूटी तुम्हारी। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी बताने देना। अबे गाते हैं। अच्छा। मलकू भाई ने आ जाने वरना। आने देना मलकू भाई, इधर आए जरा। स्टोरी मजे दीजिए किस्म। अच्छा अच्छा आप कह रहे हो कि शेख साहब को नहीं जानती, जुगन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। शेख साहब को मेरे मामे, शेख साहब मेरे मामे के पुत्र ने। अच्छा एक सेकंड ना, अब कहानी तो सुन ले हम। गुड्डा आके गिरा, मैं बनाऊंगी। अच्छा थोड़ा सा गैप है उनके ना, मेरी छत से उनकी छत पे थोड़ा सा गैप है। अगे अगे करो प्रो, अगे होनो काफी हो गए अगे जाती रुक गई, छाल मारी गुड्डा फड़ लिया मगर पांव जड़ा ना मुड़ गया। नहीं 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 नहीं, उस सीमर तो स्लिप हो गया, ओए नाल सीमर नाल दो इटा ते नाल इंजी डीएक्स हले। ओए अच्छा ये अच्छा गुड्डा नहीं फटा, टांग टूट गई है, गुड्डा फिर भी साबित है, असल बात ये है तालियां इसके, गुड्डा टांग टूट गई वाली, गुड्डा नहीं फटा, गुड्डा नहीं फटा, गुड्डा साबित था, गुड्डा साबित, यानी गुड्डा बच गया तो गोडा चला गया। अच्छा अगली बात सुन, मैं गोडा अपना फड़े मैं देखा, मैं कहूं और गोडा भी पूरा चेक पूरा हो गया, तो गोडा ही बड़ा है काफी, और सुबह में गुड्डा मोड़े नाल तंगी है।
अम्मी को जो गाला खा दिया कहानी इतनी फनी थी नहीं उनकी दीवार नहीं थी जिनका घर जिनके छत पे खड़े थे नीचे घर में देखा वो पड़ा नीचे अल्लाह माफी दे मैं डांसर हजरा मैं आपको बना के देती हूँ
क्या बात है मलकू जी, चला निमरा तुम्हें दही बल्ले बनाने सिखाएं। मुझे हमारे साथ मोहम्मद फरमान और मोहम्मद अरफान, इरफान है तो ए से क्यों लिखा हुआ है, इरफान। हेलो लिटिल वन, क्या है? अच्छा जी चलो निमरा, दिस इज द भालास एंड दिस इज नॉट द भालास। हम मीठे में दही भल्ले खाएंगे। हमने एपेटाइजर में खाए गोलगप्पे, फिर हमने चने भटूरे खाए मेन कोर्स के लिए, और मीठे में हम दही भल्ले खाएंगे। ये कुछ भी एपेटाइजर बना सकती है, कुछ भी स्टार्टर बना सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। सैलेड डालेंगे हम इस पे, रायता डालेंगे। यार वाकई कोई डेढ़िया छड़िया जुगन, और ये हमने इस पे मसाला डाला। यस दही भाले, दही भाले, और वी आर दही भालूज बैठे हैं इधर। जो ब्लैक में भालू बैठे हैं उनको ये देखिए। यस दिस इज फॉर यू सर। बच्चों खाओगे दही भाले? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर फॉर मीठा। अच्छा थोड़ा सा बस, 50 रुपए की प्लेट। तुम्हें और तो कुछ करना नहीं आता, जाओ गाना सुनाओ, जाओ चलो ये हट जा गाना गा, चली जाओ यहाँ से निमरा। गाने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है करने को, कुछ भी नहीं। इस नोट पे मैं इंजी और ऋषि का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मलको जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमारे डांसर्स बहुत ही प्यारे से विक्की, एडी, आदि आदि आसिफ, और बेसिकली कालू सम्राट ग्रुप जो है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तालियां चाहिए, थैंक यू स्पेशली इनके लिए तालियां चाहिए। सुबह सुबह हमने आपको एक्सरसाइज कराई और मैं दही भल्ले बना रही हूँ, और पुत्र जिंदगी में लोगों का पूरे दिन इन्हें।